नमस्कार। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव के पास NH2 पर SP की गाड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसमें SP सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला है कि भभुआ थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले 10 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसके बाद अपराधियों के बारे में कैमूर SP को गुप्त सूचना मिला कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से NH2 पर कुछ अपराध कर्मियों को जाते हुए देखा जा रहा है, जिसके बाद कैमूर SP, भभुआ DSP, मोहनिया थाना प्रभारी और भभुआ थाना प्रभारी अपराधी को पकड़ने के लिए मोहनिया थाना क्षेत्र के NH2 पर पहुंचे। जब एक कंटेनर से पीछा कर आगे बढ़ रहे थे, तभी SP के आगे वाला गाड़ी एक होटल के पास अचानक ब्रेक ले लिया, जिससे SP की गाड़ी पीछे से ट्रक में घुस गई। गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और गाड़ी से बाहर कैमूर SP सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के बाद SP को घुटने में चोट लगी तो पुलिसकर्मी को भी चोटें आईं। SP की गाड़ी एक्सीडेंट करने की सूचना जैसे ही और पुलिसकर्मियों को मिली, सभी घटनास्थल पर पहुंचे। SP को अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दूसरे वाहन से वापस आना पड़ा। कैमूर SP दिलनवाज अहमद ने बताया, 10 लाख रुपए लूट के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मैं और पुलिस टीम जा रही थी, तभी मेरी गाड़ी के आगे जा रहे ट्रक के ब्रेक लेने से उसमें टकरा गई, जिसमें गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हो गया, हम लोग को हल्की चोटें आई हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। MI+ न्यूज से संवाददाता अजय कुमार सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। रुपए की लूट की घटना हुई थी, जिसमें कुछ अपराधी पकड़े गए थे और उस पर जो पैसा रिकवरी था या और उस पर जो अन्य सहयोगी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही थी। उसी क्रम में मेरे साथ SDPO भभुआ भी थे, थाना अध्यक्ष भभुआ और मोहनिया थाना प्रभारी भी थे। इसी बीच में सूचना मिली कि एक अपराधी जो है NH2 पे अपने स्विफ्ट डिजायर कार से भागा जा रहा है। उसका हम लोग पीछा किए, एक कंटेनर सामने से जा रहे थे, उसके साइड से जैसे ही निकले हम लोग साइड से आगे बढ़ने के क्रम में, तो लाइन होटल था, लाइन होटल पे अचानक एक ट्रक रुक गया। जैसे हम लोग कंटेनर से क्रॉस किए और अचानक ब्रेक ले लिया, तो उसी में मेरी गाड़ी जो थी वो पीछे से उसमें धक्का मार दी। मतलब अचानक ब्रेक लेने के कारण कंफ्यूजन में ऐसा घटना हो गया। हल्की फुल्की चोटें आई, सभी सुरक्षित हैं, कोई ऐसी बात नहीं। गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं।